हेलो एवरीवन, कैसे मैं सभी लोग, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिट फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आई वेलकम यू अगेन। तो मुझे बता दें अभी क्या हाल चाल है सभी दोस्तों के, कैसे चल रही है पढ़ाई, मुझे एक बार जल्दी से बता देंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस करवाए थे। पार्ट टू अपना कंप्लीट हो चुका है और पार्ट थ्री में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, वो हम कवर करेंगे, ठीक है? तो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आ जाएंगे भाई सभी के सभी जल्दी से और क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है? तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो रिगार्डिंग जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, जेई के रिगार्डिंग, जेई से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है? आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक जो हमने क्या क्या कर लिया वो देखो, हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यदि हमें हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, यदि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यदि वो यूनिफॉर्म दे रखा है और जो सरफेस है वो फ्लैट है, ठीक है, सरफेस वो फ्लैट है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से यूनिफॉर्म है और यहाँ पर आपको एक सरफेस दे दिया जाए, तो अपने को पता है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है? यदि अपने पास कोई टिल्टर दे रखा हो तो यहाँ पर हम बोल देंगे डेल्टा एस कोस थीटा आ जाएगा। तो ये जो डेल एस कोस थीटा है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये जो है वो एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया है। परपेंडिकुलर किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे अपने पास यहां पर दे दिया हो आपको, जैसे एग्जांपल हम बात करें, मान लो कि यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको टिल्टेड दे दिया जाए, ठीक है, एरिया एरिया जो है वो कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए आपको, यहां से दे दिया जाए एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इस प्रकार से है, एंगल इनके बीच में थीटा। तो हमने बताया था कि जो एरिया वो परपेंडिकुलर नॉर्मल वाला लेना है। तो ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ वाला जो अपने यदि अपन कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा अपने पास ए कोस थीटा और ये हो जाएगा अपने पास ए साइन थीटा, ऐसा ही आएगा। तो ए कोस थीटा वाला जो एरिया वो तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये तो ए कोस थीटा हो गया और ए साइन थीटा वाला जो आएगा वो अपने पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ए साइन थीटा। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो 90 डिग्री बना लेगा और ये अपने पास 0 डिग्री बना लेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे डेल एक्स कोस थीटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन वॉट बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन नॉन यूनिफॉर्म देन वॉट हैपन्स? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म देन वॉट हैपन्स? हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था इंटीग्रेशन मेथड हम यूज में लेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये वाला फॉर्मूला हम तब भी यूज में ले सकते हैं जब एरिया है, ठीक है, या ऐसे दे रखा हो कि जो सरफेस है सरफेस इज कर्व्ड दे रखी हो, यदि कर्व्ड सरफेस दे रखी है तो भी कुछ इस प्रकार से हो जाता है। मान लो कि अपने पास कोई एक कर्व्ड सरफेस दे रखी है आपको, यह कुछ इस प्रकार से, तो हमने बताया था उस कर्व्ड सरफेस को आप जो है एक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में आप जो है वो बांट सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में, आप एरिया वेक्टर के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब इसमें से छोटा सा जो यदि हम बात करें, ये डीएस वेक्टर है कुछ इस प्रकार से है डीएस वेक्टर, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर एक के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट पहले तो हम बोलेंगे कि भाई डी फाई जो है वो अपने पास होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, और टोटल एरिया टोटल सरफेस के लिए निकालना तो हम बोल देंगे इसका इंटीग्रेशन ही फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमने अब तक कर लिया था, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए, बहुत ज़्यादा हो गया था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कर लिए थे। अब आपके पास एक और केस आता है, यदि मान लो कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, तब उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें? क्लोज सरफेस का मतलब, क्लोज सरफेस का मतलब ये है कि जैसे अपने पास एग्जांपल हम बात करें, जो स्फीयर है,
ठीक है, एक होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर, वो क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है, ठीक है। आपस में जो वो जितने भी पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसे हम बोलें क्लोज सरफेस में हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, या कोई भी रेंडम अपने पास दे दिया जाए, मान लीजिए कोई सिलेंडर दे दिया जाए, उस सिलेंडर से गुजरने वाला अपने पास क्या होगा, फ्लक्स कितना होगा, या अपने पास कौन दे दिया जाए, कौन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, कोई रेंडम शेप दे दिया जाए, वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इनमें से कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जेई में आए क्वेश्चन में लेंगे, वो हम डिस्कस करें। या आपको दे दे कि एक हेमिस्फीयर दे दिया, ठीक है, एक हेमिस्फीयर दे दिया, ये मान लीजिए ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये वाला जो है क्लोज सरफेस है बाहर से, ये भी क्या है, एक क्लोज सरफेस है, चारों ओर से बंद है वो, तो इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आज इस लेक्चर में, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं हम एक रेंडम स्ट्रक्चर लेते हैं पहले, ठीक है, चलो ले लेते हैं भाई रेंडम स्ट्रक्चर। चलो भाई देखो, ये हम लेंगे, तो आज की जो हेडिंग हम डालेंगे वो अपने पास होगी, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेसेस, ठीक है, क्लोज सरफेसेस देखेंगे, ठीक है। एक रेंडम में ले लेता हूं एक क्लोज सरफेस, एक बहुत ही अच्छी, जैसे हम बोले हेमिस्फीयर ले लें, ठीक है, एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं। चलो पहले तो हम लेते हैं, चलो हेमिस्फीयर हम लेंगे, तो एक हेमिस्फीयर से आपको बता देते हैं कंफर्म आपको अच्छे से, तो हेमिस्फीयर के मान लीजिए ये अपने पास हुआ सेंटर, और ये इसका हो गया अपने पास डायमीटर, हो गया अपने पास, ठीक है, ये हो गया, ये हमने लिया एक हेमिस्फीयर, साथ साथ लिख लेंगे भाई, ये हेमिस्फीयर ले लिया हमने, ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको इरेज कर देते हैं बाकी वाले पार्ट को, लेफ्ट पार्ट को, ये देखो, अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये वाला जो है अपने पास, देखो मान लो कि इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये हो गया ई वेक्टर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और ये आपके पास दे रखा है कि हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास दे रखा है सॉलिड हेमिस्फीयर, और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर से, ठीक है, हमें पास करना, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो ये भी एक बंद सरफेस है अपने पास, और ये वाली एक सरफेस है। अब यहां से कैसे करेंगे, तो देखो हम जानते हैं कि ये क्या है, क्लोज्ड सरफेसेस है, और क्लोज सरफेसेस है, ये हम बोले कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस ही होता है, बाहर से कर्व्ड सरफेस, और ये एक सर्कुलर सरफेस जो सामने वाली है, ये वाली जो फ्रंट वाली ये तो क्या है, सर्कुलर है, और बाहर वाली जो वो क्या है, कर्व्ड है। अब कैसे निकालेंगे, तो हमने बता रखा है कि जब भी अपने पास कोई क्लोज सरफेस आ रही हो तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कैसे सीखा था, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी डिवाइड होल सरफेस इंटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स
एंड वी कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू each area element, each element, and finally we integrate. मतलब ये हुआ, हम करेंगे पहले डी फाई कैलकुलेट करेंगे, यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, और बाद में हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब मान ले, ठीक है, मान लो कि यहां से आपको इस कर्व्ड सरफेस से, ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला आपको फ्लक्स पूछ लिया जाए, केवल कर्व्ड सरफेस से पूछ लिया जाए कि ये जो है अपने पास हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द फ्लक्स, हमसे पूछ लिया कि फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ये रेडियस अपने पास आर है, ठीक है, ये अपने पास आर, तो कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, इस कर्व्ड सरफेस पे एक छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है। मैं वापस से इसको ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, यहां पर ये वाला हमने ड्रॉ किया, देखो ये हमने वापस से इसको ड्रॉ कर लिया, ये हमने अगेन इसको ड्रॉ कर लिया एक हेमिस्फीयर को। अब देखो हेमिस्फीयर में करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे यहां पर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं इस कर्व्ड सरफेस पर। तो मान लो कि ये हमने ले लिया भाई एरिया एलिमेंट कर्व्ड सरफेस के ऊपर हमने ले लिया, देखो कैसे लेंगे, हमने ये ले लिया कि भाई यहां से जो है इस कर्व्ड सरफेस पर, देखो कर्व्ड सरफेस जो है ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे कर्व्ड सरफेस है, ऐसे एक कटोरा जो होता है ना, कटोरी टाइप, ठीक है, कटोरा होता है एक हेमिस्फीयर ही है, वो कटोरा क्या होता है, एक हेमिस्फीयर ही है, उस हेमिस्फीयर की सरफेस के ऊपर हमने एक एरिया एलिमेंट ले लेना है, क्या ले लेना है, एरिया एलिमेंट ले लेना है। देखो ये हमने बोल दिया कि ये एरिया एलिमेंट हमने ले लिया, ये हमने ले लिया एरिया एलिमेंट, ठीक है, ये अपने पास है कुछ इस प्रकार से डी ए वेक्टर है, ये अपने पास बाहर की तरफ, ठीक है। हमेशा जो है कर्व्ड सरफेस जो होती है, कर्व्ड सरफेस का जो स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है उसका जो वेक्टर होता है, एरिया जो वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो डी ए वेक्टर क्या क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ऐसे हम बोले तो यहाँ पर यदि मैं छोटा सा एलिमेंट लूँ तो ये परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेट मी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो कि इनके बीच का जो एंगल, मान लेते हैं भैया ये एंगल मैंने बोल दिया ये थीटा है, ठीक है, ये हो गया अपने पास थीटा। अब हमें निकालना है डी फाई, तो डी फाई कैसे निकालें, देखो डी फाई हम बोलें डी फाई होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सिंपल यही तो होता है, चलो ठीक है सर। अब देखो डी फाई इज इक्वल टू ये होगा ई डी ए कोस थीटा, ठीक है, डी ए कोस थीटा। अब देखो हमें तो वो एरिया एलिमेंट लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। मान लो कि ये इसका जो है वो अपने पास ये रेडियस है, ये रेडियस वेक्टर आर वेक्टर हो गया, ठीक है, ये रेडियस आर वेक्टर हो गया, ठीक है, ये आर रेडियस है ना, ये रेडियस वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया, ये आर रेडियस है। अब देखो हम बात करें कि इस ये जो एरिया है, इस एरिया का ये डी ए वेक्टर है, और ए डी ए वेक्टर जो होगा उसका दो कंपोनेंट हम लेंगे, एक तो हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, जैसे हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें, देखो ये कुछ इस प्रकार से, ये आर वेक्टर हो गया, ये हो गया डी ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया ई वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर हो गया,
और ये हो गया अपने पास डीए वेक्टर हो गया, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, सही है, डीए वेक्टर, और ये हो गया अपने पास एंगल थीटा। अब हम बात करें, देखो ये वाला एरिया कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इस डीए वेक्टर का यदि मैं दो कंपोनेंट लूँ, एक तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, मतलब ये होगा डीए कोस थीटा, और एक होगा इस प्रकार से परपेंडिकुलर यानी डीए साइन थीटा। दो कंपोनेंट हमने ले लिए, तो डीएस ऐसे है, ऐसे सोचो कि तुम ऐसे सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं कि ये वाला है, ठीक है, ऐसे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये डीए वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, मैंने ये छोटा सा डीए एलिमेंट है, ये छोटा सा डीए एलिमेंट है, ये कुछ इस प्रकार से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो ऐसे है, समझ रहे हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डीए है, ठीक है, ये डीए वेक्टर है, डीए वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, और एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से टिल्टेड है थीटा एंगल के ऊपर। अब मैं बोलूं कि इसका दो कंपोनेंट लेंगे, डीए कोस थीटा, डीए कोस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि डीए कोस थीटा जो है वो इस प्रकार से हो गया, ये तो हो गया डीए कोस थीटा, मतलब ये बोल रहा मैंने डीए कोस थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। एक मैंने बोला ये तो हो गया डीए कोस थीटा, और ये हो गया डीए साइन थीटा हॉरिजॉन्टल, ये मैंने बोला कि डीए साइन थीटा हो गया, ठीक है, ये हो गया डीए साइन थीटा, डीए साइन थीटा, और ये है अपने पास एरिया वेक्टर, ई वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखो इस एरिया से तो कोई पास होगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये तो इसका तो एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, यहां से पास आउट होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या डीए कोस थीटा जो है, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या जो डीए कोस थीटा है, क्या ये जो डीए कोस थीटा है ये ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब खड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक, तो इस डीए कोस थीटा को मैं क्या बोल देता हूँ, डीए प्राइम ले लेता हूँ, ठीक है, क्या बोल देता हूँ, डीए प्राइम। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि डी फाई इज इक्वल टू ई डीए प्राइम, ठीक है, और डीए प्राइम क्या है, डीए प्राइम जो वो डीए कोस थीटा है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर है ना डीए कोस थीटा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके दो पार्ट हो गए, एक तो परपेंडिकुलर मतलब ये एक तो हो गया डीए कोस थीटा, एक तो ये हो गया डीए कोस थीटा, और एक हो गया डीए साइन थीटा। डीए साइन थीटा अपने को कोई मतलब नहीं, हमें डीए कोस थीटा मतलब परपेंडिकुलर लेना है। तो जब इसको मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, देखो यदि मैं इसको परपेंडिकुलर बनाऊं, ये वाला बनाऊं, मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊं, ठीक है, डीए प्राइम, ये कौन सा है, डीए प्राइम हो गया, डीए प्राइम। अब एक बात बताओ, क्या ये जो परपेंडिकुलर है, यदि मैं इसका प्रोजेक्शन इस तरह लूं, यदि मैं इसका प्रोजेक्शन इस सर्कुलर वाले पार्ट पर लूं, तो क्या ये डीए प्राइम ही कोई दिखाएगा, क्या ये डीए प्राइम कोई नोट करेगा क्या, देखो क्या ये डीए प्राइम ही है क्या, बिल्कुल सर ये डीए प्राइम ही है, मतलब इस डीए वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है, मतलब इस डीए वेक्टर का जो कंपोनेंट डीए कोस थीटा जो है, डीए कोस थीटा वो सर्कुलर वाले पोर्शन के ऊपर, सर्कुलर वाले जो एरिया है उसके ऊपर डीए प्राइम को कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करेगा, समझ रहे हो। मतलब ये था कि हमने जो कर्व्ड सरफेस थी वहां पर एक डीए वेक्टर हमने लिया वेक्टर, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट लिए, डीए कोस थीटा, डीए साइन थीटा। डीए कोस थीटा जो होगा वो इस सर्कुलर वाले पार्ट की ऊपर लाई करेगा, सर्कुलर जो सरफेस है सर्कुलर सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, मतलब मैं ये बोलूं कि वो जो डीए वेक्टर है कर्व्ड सरफेस के ऊपर उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका प्रोजेक्शन ये कर्व्ड इसके सर्कुलर वाले पार्ट के ऊपर आएगा, सर्कुलर एरिया के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, सर्कुलर वाले पर प्रोजेक्ट किया। और डीए साइन थीटा, डीए साइन थीटा के कारण तो इलेक्ट्रिक वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जीरो हो जाएगा, हमें कौन सा लेना है, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और फ्लक्स केवल वही डोमिनेट फ्लक्स जो है वही कंट्रीब्यूट होगा जो एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायरेक्शन में हो, तो केवल डीए प्राइम ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब हमें क्या करना है, हमें तो टोटल कर्व्ड के ऊपर लेना है। नाउ टोटल फ्लक्स देखिए, नाउ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर, कैसे करेंगे टोटल फ्लक्स को, टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा फाई, और ये हो जाएगा ई डी ए प्राइम,
ठीक है। अब ई तो यूनिफॉर्म है हर जगह मैग्नेट, यहां पर देखो डी ए प्राइम, अब ये हो गया डी ए प्राइम, क्या हो गया ये छोटा सा स्मॉल पार्ट दिखा रहा है। अब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया और डी ए प्राइम, और ये जो डी ए प्राइम है ना ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, डी ए प्राइम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को बनकर क्या बनाएगा, ये टोटल जो पार्ट है ये सर्कुलर वाला पार्ट बना देगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये हो जाएगा ए प्राइम, और ये हो जाएगा ए प्राइम की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब ये है कि जो कर्व्ड सरफेस थी उसका जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, हमने जो है देखो हमें कौन सा फ्लक्स निकालना था, इस कर्व्ड सरफेस से निकालना था, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस वाला जो एरिया वो कॉन्ट्रीब्यूट में नहीं आया, अपने को जो है प्रोजेक्टेड एरिया केवल इसके ऊपर फोकस करना है, यानी ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर इज नथिंग बट इट इज मल्टीप्लेक्शन ऑफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है, प्रोजेक्शन एरिया। तो ये क्वेश्चन है, जैसे हम बोले इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन भी सेलेक्ट किए हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेट मी चेक दैट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ अपने पास, देखो ये वाला रहा, ठीक है, ये रहा देखो क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये वाला नोट कर लो, ठीक है। तो मेन बात ये है अपने पास जो रिजल्टेंट ये है, केवल वो एरिया लेना है जब भी क्लोज सरफेस आए, जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी आए या क्लोज सरफेस आए, तो हमेशा ये देखना है कि उसका प्रोजेक्शन एरिया कहाँ पर सेट हो रहा है, जो प्रोजेक्टेड एरिया वो कंसिडर में लेना है, ठीक है, उससे फ्लक्स आ जाएगा, फाइ इजल टू ई इंटू प्रोजेक्शन एरिया, सिंपल, बहुत ईजी है। चलो नोट करो जल्दी से पहले इसको, हम फिर आगे करते हैं डिस्कशन, जैसे हम और भी ले सकते हैं इस रिगार्डिंग, और भी स्ट्रक्चर बता सकते हैं आपको, देखो पहले हम एक दो स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। चलो पहले एक दो स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, जैसे हम बात करें देखो नेक्स्ट, यदि हम वो लें सरफेस, देखो चलो नेक्स्ट सरफेस लेते हैं, देखो नेक्स्ट सरफेस देखो, एक एग्जांपल नंबर टू देखो, एग्जांपल नंबर टू देखो, एक सरफेस लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, चलो ये वाला हमने बात की, देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये हम ले रहे हैं कुछ सरफेस एक और, ये तो हो गया रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया इसका, ठीक है, और ये हो गया अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से आ रही है, और ये जो है ये इसके टच हो रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ये, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो वापस से थोड़ा सा थोड़ी लेंदी करते हैं इसको, ओके, ठीक है, सही है। अब देखो यहां पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए आपको नीचे की ओर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है नीचे से, और हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से फ्लक्स पासिंग करना है। तो सिंपल हम क्या करें, क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, तो सिंपल हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे डी ए वैक्टर। तो यदि हम बोलें कि यहां पर हमने इस कर्व सरफेस के ऊपर ये डी ए एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, डी ए कुछ इस प्रकार से हमने लिया, ठीक है, और हमने बोल दिया कि ये जो डी ए वैक्टर है तो ये कुछ इस प्रकार से इसका एरिया एलिमेंट, एरिया वैक्टर की डायरेक्शन हो गई, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया इलेक्ट्रिक, और ये लेट्स एंगल टेक एंगल थीटा। नाउ
क्या करना है वही करना। देखो डी फाई हमें कैलकुलेट करना, तो हम करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी फाई हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, सिंपल। ठीक है, अब देखो टोटल हमें निकालना है, टोटल हम निकालने हैं तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू डी ए प्राइम। ठीक है, डी ए प्राइम, देखो डी ए कोस थीटा क्या होगा, देखो इसका भी वही दो दो प्रोजेक्शन लेंगे, दो पार्ट लेंगे। देखो ये इस प्रकार से है डी ए वेक्टर, कुछ इस प्रकार से है, ये तो हो गया अपने पास डी ए वेक्टर, और ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये हो गया डी ए वेक्टर, ये हो गया एंगल थीटा, डी ए कोस थीटा डी। अब देखो डी ए कोस थीटा की बात करूं, डी ए कोस थीटा कुछ इस प्रकार से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये होगा डी ए कोस थीटा, इसी को हमने डी ए प्राइम बोल दिया, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, सही है। और ये हो गया अपने पास डी ए साइन थीटा, ये जो है डी ए साइन थीटा हो गया, और ये हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से तो फ्लक्स पास होगा नहीं, केवल ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस एरिया को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कुछ इस प्रकार से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा डी ए कोस थीटा, जिसको हम बोलेंगे डी ए प्राइम, डी ए प्राइम। और यदि मैं इसका प्रोजेक्शन नीचे डालूं, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन यदि मैं नीचे डालूं यहां पर कुछ इस प्रकार से, तो क्या ये जो है इस रेक्टेंगुलर के ऊपर है डी ए प्राइम? बिल्कुल है, डी ए प्राइम रेक्टेंगुलर के ऊपर है। और लेट्स से दिस इज दी एच, और ये जो है रेडियस मान लो कि ये आर है, तो बताओ जरा क्या जो फ्लक्स जो पासिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है इसके ऊपर। अब देखो ये डी ए प्राइम तो इसके ऊपर हो रहा है इंटीग्रेशन, हमें डी ए प्राइम का इंटीग्रेशन करना है। अब डी ए प्राइम का जो जब इंटीग्रेशन करोगे तो छोटे छोटे एलिमेंट जो बनकर केवल ये वाला बनाएंगे, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये बनाएंगे डी ए प्राइम, मतलब ए प्राइम जो हो कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ये होगा ए प्राइम, और फाई जो होगा ए प्राइम की जो वैल्यू होगी एरिया, एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ यानी एच इंटू टू आर। तो ये सिंपल आएगा। तो सिंपल हम बात करें, जब भी आपको कर्व्ड सरफेस के ऊपर या वहां से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो सिंपल आपको क्या करना, प्रोजेक्शन लेना है उस एरिया का, उस कर्व्ड एरिया का प्रोजेक्शन लेना, जो भी प्रोजेक्ट करेगा वो हो जाएगा। ठीक है, एरिया जो है वो प्रोजेक्शन एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर है, तो वहां से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। जैसे हम सिंपल बात करें, और एग्जांपल यदि हम बात बताएं आपको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें और भी, और हम बात करें, देखो कोई स्फीयर ले लो, ठीक है, या कोई सिलेंडर ले सकते हैं, जहां से यदि आप प्रोजेक्ट करो एरिया को। देखो यदि मैं बात करूँ, ये हमने बोल दिया सिलेंडर, ये सिलेंडर बोल दिया हमने, ठीक है, ये सिलेंडर बोल दिया। अब आपसे बोल दिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, और आपसे फ्लक्स पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिंपल आपको अब क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। तो प्रोजेक्शन हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन एरिया देखो, इसका प्रोजेक्शन एरिया केवल यहीं तो होगा, यानी फ्लक्स जो होगा यहाँ से पास जो होने वाला वो हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लो कि ये जो है रेडियस क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स पाई आर स्क्वायर। या और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, यदि आपसे बोल दिया जाए कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे बोल दिया जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बोल दिया जाए, यहाँ से पास आउट करेंगे तो कैसे करें, देखो ये जो है इसका प्रोजेक्शन एरिया कुछ इस प्रकार से ले लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पर। और यदि हम बात करें स्फीयर की बात कर लें, तो स्फीयर का प्रोजेक्शन एरिया देखो, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, तो इसका प्रोजेक्शन एरिया देखोगे तो बताना जरा क्या आएगा, इसका जो प्रोजेक्शन एरिया लोगे तो एक स्फीयर बनेगा, सर्कुलर एरिया बनेगा, सर्कुलर एरिया बनेगा, ठीक है, ये वाला, ये सर्कुलर एरिया बनेगा, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो फलक सिंपल हम क्या कर देंगे, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से कर देंगे, बहुत ईजी है, सारे के सारे बहुत ईजी है, और भी ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं। अब क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, चलो डायरेक्ट जो हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस जो अपने पास जेई में आए हुए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और वहां से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स डिस्कस
क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है अपने, ये हो गया। चलो क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं, सिंपल है। क्लोज सरफेस क्या, यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। देखो देखो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर वन की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर वन की बात करें, ये बोल रखा है कि डिटरमाइन द फ्लक्स फाई ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नोट थ्रू द हेमिस्फीयर सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन ये है डिटरमाइन डिटरमाइन द फ्लक्स डिटरमाइन द फ्लक्स फाई ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट वेक्टर। ठीक है, थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस, थ्रू द हेमी स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और अपने पास ऑप्शन दे रखा है, देखो ये कुछ इस प्रकार से इसका व्यू दे रखा है आपको, कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है, ये अपने हेमिस्फेरिकल सरफेस दे रखी है, ये कुछ इस प्रकार से दे रखी है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ई नोट दे रखा है, और ई वेक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ए ऑप्शन दे दिया जाए ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन दे दिया जाए ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, सी ऑप्शन दे दिया जाए ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई फोर, और डी ऑप्शन दे दिया जाए ई नोट इंटू टू पाई आर स्क्वायर। बताना जरा जल्दी से, अब तो मिनटों में हो जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बता देंगे मुझे एक बार, जल्दी से बता देंगे इसको आंसर, जल्दी से बताएंगे, देखना जरा बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं कर रखा, देखो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से, कहाँ से पूछ रहा है ये, हेमिस्फेरिकल सरफेस से पूछ रहा है, हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो सिंपल आपको करना क्या है, ये क्लोज सरफेस है आपको बताया हुआ है, अभी अभी हमने बताया था कि जब भी कर्व्ड सरफेस आए उस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया देखो। ठीक है, और ये वाला जो रूल है केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वैलिड होगा, जो हम बता रहे हैं ना डायरेक्ट प्रोजेक्शन वाला, केवल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वैलिड है। तो हम बात करें, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है, यदि हम इस अपने पास जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस से गुजरने वाला है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन एरिया कौन सा है, इसका प्रोजेक्शन एरिया यही तो है, यही तो है इसका प्रोजेक्शन एरिया, ये वाला ही तो है इसका प्रोजेक्शन एरिया। ठीक है, कोई भी रैंडम डीए वेक्टर लेंगे, डीए वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डीए प्राइम, अभी अभी सारी कैलकुलेशन बता रहे कि, तो जो आंसर है डायरेक्ट जो हम टिक कर देंगे ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास आंसर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर एक बात और कर ले, एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर टू, डिटरमाइन, जैसे अपने पास क्वेश्चन एक और है, डिटरमाइन दी फ्लक्स फाई ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड ई नोट, यूनिफॉर्म फील्ड ई नोट लीविंग द हेमिस्फेरिकल सरफेस, लीविंग द हेमी स्फेरिकल सरफेस शोन। ठीक है,
जैसे ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपके पास जो है एक हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर दे रखा है कुछ इस प्रकार से, इसकी शेप दे रखी है आपको ऐसे, ठीक है, ये आपको दे रखी है भाई हेमिस्फीयर, और आपको बोल दिया जाए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कुछ इस प्रकार से है, ई नोट वेक्टर है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपसे क्या बोल रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको बताना है कि लिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स, लिविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके ऊपर ध्यान देना जरा, लिविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रखा है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बोल रखा है ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, सी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई फोर, और डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। बताना जरा क्या होगा इसका आंसर, बताओ जरा। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये वाला तो हो गया, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये देखो अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा है कि लिविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिविंग पूछ रहा है, ठीक है, मतलब लीव करने वाला, यहां से निकलने वाला, देखो ये तो इंटर हो रहा है, ठीक है, अगर टोटल ऐसे दे दिया होता ना कि लिविंग की जगह ऐसे बोल दिया जाए कि नेट फ्लक्स पूछे, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, अभी उस पर आएंगे, अभी ये बोल रहा है लिविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब यहां से लीव करने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपल हम बात करें, देखो लिविंग फ्लक्स कैसे निकालेंगे, लिविंग फ्लक्स निकालने के लिए हम बात करें, देखो यहां पर यदि हम छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लें डीए, ठीक है, वही बात करेंगे डीए वेक्टर, ऐसे ये हो गया डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नोट वेक्टर कुछ इस प्रकार से एंगल थीटा ले लिया, इसका परपेंडिकुलर पार्ट जो है वहीं से गुजरेगा, तो इसका परपेंडिकुलर पोर्शन जो है यहां पर आएगा प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है, तो हम बात करें देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका प्रोजेक्शन एरिया बनेगा, कैसे कर पा रहे हो, देखो टोटल होता ना, टोटल होता तो कुछ इस प्रकार से बनता है स्क्वायर, वो सर्कुलर बनता टोटल होता तो, लेकिन ये हेमी दे रखा है, हेमीस्फीयर दे रखा, तो उसका पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो हम बात करें जो फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, टोटल का आधा हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया ये तो है, ठीक है प्रोजेक्टेड एरिया, लेकिन यदि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये वाला, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो, व्हाट अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखो ये तो लीव कर रहा है, लेकिन यदि ऐसा ही कोई जो एलिमेंट है कुछ इस प्रकार से दे लें अपन, ठीक है, तो डीए वेक्टर कुछ इस प्रकार से आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से आएगा, थीटा जो है वो, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो यहां पर जो नेगेटिव बनेगा, ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स होगा, तो यहां पर इसका परपेंडिकुलर एरिया कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे, तो हम बोलें कि इंटरिंग जो फ्लक्स होगा, फाई इंटरिंग जो फ्लक्स होगा वो होगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, और लीविंग जो होगा, ठीक है, या आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा वो होगा अपने पास प्लस होगा ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, प्लस क्यों होगा, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री वो पॉजिटिव, वो अपने पास, ठीक है, कोस जो है थीटा वो पॉजिटिव होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो टोटल यदि हम यहां पर बात करें, टोटल जो फ्लक्स होगा वो, टोटल की हम बात करें या नेट जो फ्लक्स होगा वो तो क्या होगा, जीरो होगा, दोनों का सम हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स पूछे तो यहां पर जीरो होगा, लेकिन यदि लीविंग पूछे, केवल लीव करने वाला, तो लीव करने वाला केवल ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, और इंटरिंग पूछे तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। चमका, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, जो भी आज क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ओके जी, एक प्रोजेक्शन वाला एक और ले लें, चलो ये वाला ले लेते हैं प्रोजेक्शन, आईआईटी 2011 में आया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलो जल्दी से इसको नोट हो गया, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, ये देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है आपको, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर एन
कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट इन टू एक्स कैप, ठीक है, वेयर ई नोट इज कॉन्स्टेंट, वेयर ई नोट इज कॉन्स्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया The flux through the shaded area due to this field is, देखो जरा क्या होगा, ऑप्शन आपको दे रखा है ई टू ई नोट ए स्क्वायर, बी जो ऑप्शन दे रखा है आपको रूट टू ई नोट इन टू ए स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है ई नोट इन टू ए स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे रखा है ई नोट ए स्क्वायर बाई रूट टू। ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं और स्ट्रक्चर अपने पास जो फिगर दे रखा है वो भी देख लो, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ डायग्राम है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ये है जीरो जीरो जीरो, अपने पास एक्स हो गया, ये हो गया वाई हो गया, ये दे दिया जेड आपको, और कुछ इस प्रकार से देखो ये दे दिया आपसे ये वाला, ये अपने दे रखा है जीरो ए जीरो, यहां पर दे रखा है ए ए, ठीक है, और ये दे रखा है आपको ए जीरो ए, ठीक है, यहां से पूछ रखा है देखो जरा, ठीक है, यही दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है, आईआईटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है, यानी आईआईटी 2011, ये आईआईटी 2011 में आया क्वेश्चन है। अब देखना जरा इसको कैसे करेंगे, सिंपल वही करेंगे, देखो हमें क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है वो ऐसे है ई नोट इन टू अक्स कैप, मतलब अक्स कैप में है, मतलब इस तरफ है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये हो गया अक्स वाई, ये हो गया देखो जेड हो गया, ये वाई हो गया, अक्स हो गया, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, ये तो अक्स अक्स ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इस तरह है, ठीक है, और ये जो है, ये जो अपने पास सरफेस है ये टिल्टेड दे रखी है, कुछ इस प्रकार से दे रखी है, हम बात करें देखो कुछ इस प्रकार से दे रखी है, ऐसे दे रखी है, कुछ इस प्रकार से दे रखी है, देख पा रहे हो, ये वाला, ये कुछ इस प्रकार से दे रखी है, ठीक है, अक्ष एक्सिस सामने वाली है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ऊपर जेड की एक्सिस हो गई, कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या लेना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन कैसे लेंगे भाई, प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, इसके प्रत्येक पॉइंट को जो है पीछे की ओर बढ़ाओ, देखो यदि हम इसका प्रोजेक्शन यहां पर लें, ये लिया, ठीक है, और इस प्रकार से लिया हमने, देखो ये होगा, ये हमने बोल दिया, देखो ये वाला, ये वाला, ये देखो अपने पास, ये बना अपने पास प्रोजेक्शन एरिया पीछे, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा देखो ये बना, और ये वाला जो बनेगा ये कौन से वाई जेड प्लेन में, तो ये हो गया जीरो ए ए, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बना। अब देखो यहां पर क्या होगा, सिंपल हमें करना क्या है, फ्लक्स निकालना, तो फाई जो हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, और ये होगा प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो हम बात करें देखो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो वो तो ई नोट दे रखी है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है,
लेकिन यदि मान ले एरिया देखें तो प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला आएगा, ये वाला आएगा प्रोजेक्टेड एरिया। ये ए स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं ई नोट इंटू ए स्क्वायर आएगा, ठीक है बिल्कुल ए दे रखी है बिल्कुल। तो यहां पर अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इजी है यार, कचरा था एकदम बिल्कुल। देखो जेई 2011 में आया क्वेश्चन है, 2011 में आया क्वेश्चन है, बहुत इजी था। एक और आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे ही, ठीक है, एक और सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, देखो डिटरमाइन द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स पूछ रखा है। ओके डिटरमाइन द नेट फ्लक्स, डिटरमाइन द नेट फ्लक्स फाई ऑफ ए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट थ्रू द क्लोज्ड क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस श्योर, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है आपको, दे रखा है ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है ई नोट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई फोर, और डी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है जीरो। बताओ जरा, और फिगर आपको दे रखा है कुछ ऐसा, फिगर आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ये आपको दे रख, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट दे रखा है। बताना जरा क्या होगा, जल्दी से देखो, ने रेडियस जो है वो आर दे रखी है इस सिलेंडर की, ये दे रखी है रेडियस आर। जल्दी से बताएंगे मुझे क्या होगा इसका आंसर, देखना जरा इसका आंसर क्या होगा। कैसे करेंगे, सिंपल हम बात करेंगे। देखो यहां पर तो वो प्रोजेक्शन वाले की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट दे रखा है और क्लोज सरफेस दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहां पर यदि हम बात करूं, एक तो सरफेस ये हो गई, फर्स्ट सरफेस ये हो गई, ये हो गया एक नंबर, ये कर्व्ड को हमने दो बोल दिया, इसको हमने तीन बोल दिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस के ऊपर हम बात करें, देखो कर्व्ड सरफेस के ऊपर हमने बोला था कि आप एरिया एलिमेंट ले लो, तो जो भी एरिया एलिमेंट लोगे वो आउटवर्ड बाहर की तरफ आएगा, यानी ये हो गया डीए वेक्टर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से यानी हॉरिजॉन्टल है, तो कर्व्ड सरफेस से, ठीक है। फ्लक्स जो होगा कर्व्ड सरफेस में, बात करें फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है डीए वेक्टर के, ठीक है। सेकंड हम बात करें, देखो फर्स्ट सरफेस से बोलें फाई वन, बोलें फाई वन को क्या मैं फाई इंटरिंग भी बोल सकता हूं, इंटरिंग जो फ्लक्स होगा, और वो क्या होगा, देखो सिंपल हम बात करें, यहां पर देखो एरिया जो वेक्टर वो इस तरफ है, अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब थीटा जो है वो 180 डिग्री है, यानी माइनस का साइन आएगा, मतलब बोलूँ माइनस का ई नोट इंटू ए बोलूँ तो मैं बोलूँगा पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कुलर पार्ट का। थर्ड हम बात करें फाई टू हम बोले आउटगोइंग, तो आउटगोइंग में यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्यों आएगा प्लस, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो सेम डायरेक्शन में,
क्योंकि यहाँ पर यदि आप छोटा सा एरिया लोगे वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा टोटल फ्लक्स? नाउ टोटल फ्लक्स जो होगा, मतलब मैं बोलूँ कि फाई जो टोटल होगा वो होगा, देखो एंट्रिंग और आउट गोइंग माइनस से जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल इजी है, बहुत बढ़िया भाई इजी है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इजी है, ये भी हो गया, ये भी अच्छा ठीक है, ओके 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 ठीक डन कंप्लीट, ठीक है। कर्व्ड सरफेस का क्या होता है? देखो कर्व्ड सरफेस में यदि यहां पर देखो, यदि ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? यदि नॉन यूनिफॉर्म होता, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरी करता, अलग अलग होता, ठीक है, जैसे बोल ऐसे बोल दूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, ई नोट इन टू एक्स स्क्वायर है और ये हो गया एक्स कैप, अब क्या होता? तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होती और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग वैल्यू होती, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी, तो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, ठीक है, और यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, तो अब की बार जीरो नहीं होगा, ये तो जीरो ही होगा, ये तो हमेशा जीरो होगा, लेकिन अब ये जीरो नहीं होगा, अब टोटल कितना होगा? अब जो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो जो फाई जो टोटल होगा, अब जो टोटल फ्लक्स आएगा वो अलग होगा, मतलब मैं बोलूंगी ई टू इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का ई वन इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, तो ये बात ध्यान में जरूर रखना है, ये जो जीरो होगा, ठीक है, हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा, तो आप एक बात नोट करके लिख भी सकते हैं, द फ्लक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज बिकम्स जीरो, ठीक है, ये नोट लगाकर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें जीरो, जैसे मैं बोलूँ कि ये एक अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये कि स्फीयर है, तो हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, कैसे? देखो ये आपके पास, देखो मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये ई नोट वेक्टर दे दिया, ई नोट वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो जब भी आप लोगे, यहां पर एक छोटा सा पार्ट लिया आपने डी ए वैक्टर, ठीक है, ये हमने लिया डी ए वैक्टर ले लिया, और ये हो गया ई नोट वैक्टर, हो गया थीटा एंगल बना डी ए कोस थीटा, इसी प्रकार से हमने यहां पर भी लिया, ये हो गया डी ए वैक्टर, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से बना ई नोट वैक्टर, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम है, यहां पर वैल्यू सेम है दोनों की, और यहां पर देखो प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया कुछ इस प्रकार से आएगा, इसका भी कुछ इस प्रकार से आएगा, मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है वो एक सर्कुलर पार्ट बनेगा, ठीक है, सर्कुलर पार्ट बनेगा, मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या जो फ्लक्स जो होगा वो एक एरिया, एक सर्कुलर पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है, तो यहां से यदि मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो फाई जो होगा वो होगा इंटरिंग प्लस फाई जो है वो लिविंग होगा, ऐसे ही तो होगा, इंटरिंग की बात करूं तो देखो इंटरिंग की बात करें तो इंटरिंग में तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ लेंगे, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर इंटू ई नोट होगा, और आउटगोइंग की बात करूंगा तो आउटगोइंग में एरिया ऐसे होगा, तो यहां पर जो है वो प्लस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही डायरेक्शन में है मेरे मुन्ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ये होगा ई नोट हो गया, अब हमेशा ये होगा जीरो, तो एक बात नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट लगाकर क्या लिखोगे, द फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ये बात ध्यान रखना, बस सिंपल है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, बहुत इजी है, तो जब भी कोई क्लोज सरफेस है, कोई भी आर्बिट्रेरी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्फेरिकली हो, कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई भी चलेगा, ओवल टेप टाइप की हो जाए, कैसे भी हो, ठीक है, कैसे भी हो, क्योंकि हमेशा जो आप जो
प्रोजेक्शन वाला पार्ट लोगे वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, हमेशा जो एक स्फीयर ही बनेगा एक्चुअल में यदि आप सही तरीके से देखोगे तो, ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, जैसे हम इसकी बात करें तो ये एरिया वेक्टर है तो हमेशा जो परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से आएगा इसके ऊपर, ऐसे हमेशा क्या बनेगा एक स्फीयर ही बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करें, ये वाला ध्यान रखना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होगा जीरो होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे वो हमने किए कंप्लीट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, अपना हो गया कंप्लीट, अब आगे बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।